देखे हो इनको? नहीं देखे तो आज देख लो, कुछ सुन लो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पता नहीं था कि मुझे बोलना है। वेल, पहले तो मैं पोप मिलर फाउंडेशन, मेनी कंग्रेचुलेशन गोइंग आउट विद अ ब्यूटीफुल इवेंट, ब्यूटीफुल पीपल आउट हियर। आई कैन से एवरीवन इज हैविंग अ गुड माइंडसेट। यहां पर कुछ सोच के आए हैं कि आज इवेंट पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खास होगा। और क्योंकि ये महफिल सोशल वर्कर्स की लगी है, तो यहाँ पे आया हुआ हर एक इंसान उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि वो जिस वजह से यहाँ पर है। तो थैंक यू एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू होप मिलर फाउंडेशन फॉर सॉरी रमजान अली शेख, दैट्स यू पलन बॉय, एंड लेट द अदर गेस्ट स्टार्ट विद देयर ब्यूटीफुल वर्ड्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज एडवोकेट सुशील मोहड़ी, आई स्टे इन न्यू मुंबई, रमजान स्टेज नियर मी। कुछ महीनों पहले हमारी मुलाकात हुई, ही वॉज वेरी कीन टू मीट द सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर रामदास जी अठावले। I'm working with him since last 25 years. I'm handling his students' organization all over Maharashtra. And I'm also running an organization in his name, that is Ramdas Athawale Foundation. We work to penetrate education at the bottom of the society. Jahan tak education nahi pahunch pata hai, wahan par hum education lekar jane ki koshish karte hain. Adivasi tribes and all, aisi jagah par hum kaam kar rahe hain. हमने साउथ मुंबई से शुरुआत किया था, आज हम महाराष्ट्र के लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं। ये काम करते करते जब रमजान को पता चला कि आई एम वर्किंग विद अनिल अठावले सर, ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू मीट हिम, एंड एक्चुअली ही वाज एक्सपेक्टेड हियर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर के साथ आज मीटिंग होने के कारण वे नहीं आ पाए। इस प्रोग्राम में मैं उनकी ओर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, गुड विशेस टू द ऑर्गेनाइजर्स as well as to the awardees on this auspicious and beautiful occasion. Ramzan bahut acha kaam kar rahe hain, pichle kai mahino se hum saath mein hain, lekin unka kaam maine pata kiya ki kai saalon se wo society mein bahut acha kaam karte hain, and not only he works for the society but is award function ke zariye jo society mein kaam kar rahe hain log alag alag kshetra mein unko nawaza jane ka kaam bhi wo kar rahe hain, isliye काम करते हुए लोगों के काम की तारीफ भी वो कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, इसीलिए उनको डबल शुभकामनाएं। और आज के सारे अवार्डीज को भी मैं गुड विशेस देता हूं, यहीं पे रुकता हूं। जय हिंद। थैंक यू दादा, मैं आप लोग का थोड़ा टाइम और लूंगा। हां आपके जरा दे मेरे को हेल्प। सो हम लोग माफी मांगने से पीछे नहीं होना चाहिए ना, गलती हमारी है, हम सॉरी बोलेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। खास करके पुणे वाले को हमारी गलती नहीं है, हमने प्रयत्न किया है रामदास अठावले जी को लाने के लिए। दादा यहाँ पर है, वो कुछ उनके साथ वाले हैं, और आदित्य ठाकरे का जस्ट थोड़ी देर पहला मैसेज आया, उनको दौरे पे जाना पड़ा। बट आप लोग का दिन नाराज नहीं होगा, हम दोनों का एक शो आ रहा है भाई बहन का जो अमीषा पटेल का आ रहा है, उसमें जितने पुणे वाले सबको वेलकम है, मोबाइल आ रहा है, मोबाइल सबको वेलकम। तो इस बार छोटा भाई समझ के बात करो, एक मौका दो तो आगे आपको नाराज नहीं करूँगा। मैम आप तो मेरे शो में आ चुके हैं, आप तो आ चुके हैं, एक मौका बनता है मेरे को, बस हो गया। थैंक यू सो मच रमजान जी एंड पटेल जी एंड पुणे से, राजस्थान से, औरंगाबाद, हैदराबाद से बहुत बड़ी टीम आई है हमारी, और खास करके रामदास जी अठावले सर के लिए ही आए हैं। पर सॉरी अभी जैसे कि अनाउंस किया है, ये मैम का अमीषा पटेल का है, तो आप लोगों को अगर आपको रामदास अठावले मिलना है तो एक बार मुझे बताइए, साथ में दादा में और पूरी टीम आप उनके साथ जाएगी, वहाँ से आप नंबर दादा है हम जाएंगे, जब भी आपका मुझे बताइए हम वहाँ पे जाएंगे। ओके, और एक अभी मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैं भूल ही गया था ये चक्कर में, एक्चुअली सब ओपन कीजिए आप, फिर मैं ओपन कीजिए। ये है ओपन स्काई स्कूल, ये मेरा नेक्स्ट मोटिव है, जैसे अभी मैं ये इस साल इंशाल्लाह एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ, प्री प्राइमरी स्कूल। इसमें क्या होगा, सुबह से जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उनका तो स्कूल रहेगा, बट शाम में जो बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं शाम में उनको पढ़ने का स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब ये भी एक मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, आज लॉन्च कर रहा
तरह इंशाल्लाह ये जून में जब स्कूल स्टार्ट करूंगा तो शाम में ये बच्चों को भी पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके प्राइमरी स्कूल अगर अल्लाह चाहे तो कॉलेज भी बनूंगा। बस स्टेप बाय स्टेप सब करूंगा। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सबको मिले। एक्चुअली मैं आदिवासी वाले में अभी से पहले से पढ़ा रहा तो हुई, बट मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर उनको एजुकेशन मिलता रहे, तो ये मैंने नेक्स्ट मेरा स्टेप स्टार्ट करने के लिए किया है। तो थैंक यू, अभी लॉन्च तो हो गया है, ओपन स्काई स्कूल ओपन, सबके लिए ओपन है वो। थैंक यू। And we wish you good luck, everyone. कि ये जो आपने मनोकामना की है ये पूरी हो। दो तालियां दो।